चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव में। आज हम मौजूद है वार्ड नंबर 43 नगर निगम बल्लभगढ़ में और यहां पर देखें कि भाजपा से पार्षद पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं प्रमोद राणा और उद्योगपति IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान है और एक निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया है। सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और देखिये ज्यादातर महिलाएं इसका स्वास्थ्य लाभ लेने का काम कर रही है। आप इधर आओ जी, आ जाओ आप। कनक सही सही से आ जाना। ये स्वास्थ्य जांच शिविर जो लग रहा है ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है जी, ऐसे हाथ में पकड़ के बता दो। अच्छा सही है जी, बिल्कुल बड़ी सेवा कर रही है मैडम जी बैठ के सबकी। जो प्रमोद राणा है चुनाव लड़ने के इच्छुक है पार्षद बन के और स्वास्थ्य जांच शिविर लगवा रहे हैं तो अच्छा काम है। अच्छा काम है और गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, पैसा देते तो फ्री तो इलाज हो रहा है सबको। तो चुनाव लड़ेंगे तो मदद करोगे और का क्यों ना करेंगे, मोदी की तो हम हमेशा करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। राणा साहब आए? हाँ जी, चलिए आप देखें कि देखिए जोर शोर से भाजपा, क्योंकि तीसरी बार सरकार हरियाणा बनी है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति चाहता है कि हम पार्षद या जनप्रतिनिधि किसी रूप में बने जो कि प्रतिनिधित्व करें अपने वार्ड नंबर 43 का। मैडम आप यहीं से? आप यहीं से? हाँ जी, हाँ जी, हम तिरका कॉलोनी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पिस्ता चौधरी तिरका कॉलोनी से और यहाँ पे प्रमोद जी ने बहुत ही अच्छा कैंप लगाया है। आंखों की जाँच हो रही है, दवाई गोली दी जा रही है और यहाँ पे सभी सुविधा दिखा रखी है। हमें प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और अगर ये चुनावों में पार्षद का चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप लोग ऐसे व्यक्ति का साथ देंगे? जो देंगे जी बिल्कुल, जो हमसे होगा हम तहे दिल से इनकी सहायता जरूर करेंगे। राणा साहब आ जी, आप आ गए, इधर से आ जाइए, इधर से बेटा हटना। राणा साहब, तिरखा कॉलोनी वार्ड नंबर 43 के महिलाएं ज्यादातर कह रही हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर हमारे क्षेत्र का पार्षद बनकर आए तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है, क्या कहेंगे आप? देखो विनोद जी, इसमें आप देख ही रहे हैं कि जो कैंप की हमने शुरुआत की है, ये हमने 24 तारीख जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन किया था पहला कैंप वहाँ पे लगाया था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। ये दूसरा कैंप है और हम आपके माध्यम से अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को ये बताना चाहेंगे कि हर आने वाले इतवार को इसी तरह ये कैंप का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह जहाँ भी अगर किसी को लगता है कि उस भाई ने अपने यहाँ पे कैंप लगवाना है या बहन ने लगवाना है तो वो मेरे से संपर्क करें, हम वहाँ कैंप की व्यवस्था करेंगे। राणा साहब, जैसे कि आपने कहा था कि देखिए डेवलपमेंट तो निरंतर होता रहता है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके वार्ड 43 का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसके लिए आप निश्चित तौर पर इस तरीके के स्वास्थ्य जांच शिविर लगा रहे हैं तो, लेकिन जो जांच होने के बाद जो खर्चा होता है दवाइयों का, वो दवाइयां भी फ्री में दी जाएंगी आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, आप देखो उस वाली टेबल पे सारी दवाइयां रखी हुई हैं। अच्छा। और ये हम दवाइयां दे रहे हैं, बल्कि जैसे कि हम IMT में तो हम रोज ही दे रहे हैं, वहाँ तो हमारा आपको पता ही है कि क्लिनिक ओपन है सुबह 10 से 4 बजे तक, वहाँ पे दवाइयां भी मुफ्त है, परामर्श भी मुफ्त है, पर कुछ लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो इसलिए हम ये अब जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। वार्ड 43 के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वार्ड 43 के लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं तो सब चीजें हैं। स्वस्थ जीवन ही एक मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है तो ना आदमी का ना व्यापार में मन लगेगा, ना जॉब में मन लगेगा, ना वो कोई और काम करेगा। तो इसीलिए हमने ये मुहिम उठाई है कि स्वस्थता ही सबसे बड़ी चीज है। बोल साहब, आप दिन रात राणा साहब के साथ लगे रहते हैं, हनुमान की भूमिका में आप चल रहे हैं एक तरीके से कि राणा साहब को पार्षद बना करके मानेंगे, प्रमुख चीज क्या चाहते हैं वार्ड 43 के लिए? मैं देखो यहाँ पे संरक्षक हूँ RWA सेक्टर 2 का और मैंने यहाँ पे जो तिरखा कॉलोनी है यहाँ के बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क रहा है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है देखो खाना हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, मकान है। तो हम जो स्वास्थ्य है इसके लिए हमने कृत संकल्प है कि सबको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं वो पूरी मिलें और फ्री मिलें। उनका ये नहीं है कि स्वास्थ्य हमने एक बार इनको देख लिया तो उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये सही नहीं होंगे, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, धन्यवाद। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं।
जो आप लोग दवाई ले रहे को पैसा वैसा मिल जाए आप लोगों से? नहीं। अच्छा काम कर रहे हैं लोग? काम से। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, किसी और महिला से हम आपकी बातचीत कराएंगे, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आप आजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।